में महाकौथिल मेले का शुभारंभ हुआ। मेले का शुभारंभ सीपी लक्ष्मी सिंह ने दीप प्रज्वलित करके किया। नोएडा के सेक्टर 21 स्टेडियम अंतर्गत पिछले कई सालों से महाकौथिक मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस बार भी उत्तराखंड का सांस्कृतिक महाकौथिक वर्ष 2022 का उत्सव आयोजन पर्वतीय सांस्कृतिक रजिस्टर द्वारा किया जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर की पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित करें बाबा भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना कर पर्वतीय सांस्कृतिक महाकौथिक 2022 महोत्सव की शुरुआत की गई। पुलिस आयुक्त के साथ कमिश्नरेट के तमाम आला अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित किया। इस उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए और सभी उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़ी हुई दुकानों को सजाया गया। मुकेश गुप्ता, नोएडा, समाचार 24। देखिए, ये तो देवभूमि उत्तरांचल की, उत्तराखंड की संस्कृति है, सांस्कृतिक धरोहर है जिसको यहाँ पे प्रदर्शित किया जा रहा है। और यहाँ पर आने पर ऐसा ही लग रहा है जो माँ की यात्रा का इन्होंने अभी एक सूक्ष्म संस्करण निकाला है, उससे पता चलता है कि देवभूमि उत्तराखंड में कितनी समृद्धि रही है, विचारधारा की समृद्धि रही है, संस्कृति की समृद्धि रही है, अपनी परंपराओं की समृद्धि रही है। इस मेले के आयोजन से हम आशा करते हैं कि आगे आने वाले वर्षों में आने वाली पीढ़ियों को हम इस उन्नत संस्कृति का अवलोकन कराएंगे, उनसे हम उनको परिचय कराएंगे और साथ ही साथ अपनी इस सांस्कृतिक धरोहर को अक्षुण बनाए रखने के लिए उसका संरक्षण करने में सक्षम साबित होंगे। इस कौथिक महाकौथिक मेले के आयोजनकर्ताओं को हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं और उनका धन्यवाद है कि उनके माध्यम से कई पीढ़ियों की, एक अंचल की गाथा आज यहाँ पर नोएडा में समझ